पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से चलकर लद्दाख के लिए शांति का पैगाम लेकर निकली 5 सदस्यीय टीम सोमवार को गोरखपुर पहुंची और यहां से लद्दाख के लिए रवाना हुई। 5 सदस्यीय टीम में अंदीप आचार, मुक्ता आचार, संतोष कार्की, भास्कर थापा, पुष्पलता आचार्य शामिल हैं। गोरखपुर स्थित कंडेल हाउस से यह दल इंग्लैंड की रानी के सिग्नेचर वाले लेस्टर शायर और रूटलैंड काउंटी के फ्लैग को लेकर लद्दाख के लिए रवाना हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीम लीडर संदीप आचार्य ने बताया। Leicester, from London, Leicester say. First flag. Andip Acharya. Hello. मैं इंग्लैंड लंदन नॉटिंगम से आया हूँ और उधर उसके बाद हम लोग काठमांडू मेरा दोस्त लोग के साथ काठमांडू से प्लान बना के हम लोग इधर आया। इधर से दिल्ली बैठेंगे, दिल्ली से लद्दाख जाएंगे, लद्दाख जाके ये हमारा अपना फ्लैग को लेके फ़ोटो लेके आ जाना है हम लोग। और ये फ्लैग का मतलब है अभी तक इंग्लैंड में ये फ्लैग लॉन्च नहीं हुआ है। लेस्टर शेयर का फ्लैग है, फ्रॉम द क्वीन ने साइन करके मेरे को ये दे के भेजा है, तो इसको ले रहा है के फ़ोटो ले जाके उधर ले जाके इसको सेरेमनी करना है। और इसके लिए हमारा टीम है वो संतोष भाई और मैं, मेरा वाइफ और दूसरा एक दोस्त है, हम चार लोग इधर से टुमारो दिल्ली से हमारा अनदर कितना 15 आदमी होगा, 17 जन मिलके उधर से लद्दाख पर ट्रिप में जाएंगे। तो वो लद्दाख है 5,300 मीटर हाई फ्रॉम सी लेवल। थैंक यू। हमारा काठमांडू से काठमांडू रिटर्न 27 डेज का टूर है और दिल्ली से लद्दाख 14-15 दिन का टूर है दिल्ली टू लद्दाख। ये जस्ट प्राइड है खाली, ये फ्लैग अभी तक नहीं फहरा है इंग्लैंड में भी, ये नया है। नहीं नए माने ये फ्लैग नहीं है कि ये फ्लैग ही बाहर नहीं हुआ था, वो लेस्टरशायर काउंटी का ये फ्लैग बाहर नहीं हुआ था, तो वो लोग ने अभी ये बाहर किया है। तो इसको संसार का सबसे बड़ा मोटरवे है वो रास्ते है ना, उधर ले जाके इसको थोड़ा प्राइड करके इसको ले जाके लंदन में सेरेमनी करके वो लोग ले रहे हैं उधर। रास्ता भी तो बहुत कठिन है। रास्ता कठिन है इसलिए तो मज़ा है ना भैया, इसीलिए आए हम लोग रास्ते में। देखो कितना धूप है इधर भी। नेपाल और भारत तो हम लोग तो भाई भाई है ना, वो लोग हमारा फैमिली है इधर रहते हैं, वो मेरा वाइफ का फैमिली लोग है, तो इधर आज लंच करेंगे तो इधर से जाएंगे थोड़ी देर में। तो नेपाल और इंडिया ऐसा है ना।